रिवाइज व्हाट लास्ट सेशन, बट बिफोर दिस टेक आउट योर असाइनमेंट्स विद यू. यस, टेक आउट दिस असाइनमेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस अलोंग विद रिवीजन. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सबके पास है ना असाइनमेंट्स? फर्स्ट बेंच टू स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर सेम असाइनमेंट, है ना? थर्ड एंड फोर्थ बॉयज इन फर्स्ट बेंच. यस बेटा, सबके पास असाइनमेंट्स नहीं है. असाइनमेंट सबके है सबके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल रीड फर्स्ट क्वेश्चन? और शैल आई कॉल इटसेल्फ, मैं खुद ही बुलाती हूँ ना, कोई हाथ रेज नहीं कर रहा. वाई सो सेकेंड बेंच थर्ड बॉय, सेकेंड बेंच थर्ड बॉय. बेटा हाँ जी उठ जाइए. रोबर्ट यस गेट अप, रीड विलियम्स. द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन. इसको बेंच पे रख दो, वहां से भी सुनाई देता है. इसको बेटा, माइक को नीचे रख दो डेस्क पे. And now speak up. The heart is a remarkable organ, often described as the engine of the human body. It is a muscular pump responsible for circulating blood throughout the body, ensuring the delivery of oxygen and nutrient to the cell and the removal of the waste products. Blood enters the heart through the right atrium, where it is low in oxygen and high in carbon dioxide. From there, it is pumped into the right ventricle, which contracts and sends the blood to the lungs. From oxygen-rich blood returns to the heart's left atrium, and it is then pumped into left ventricle, which has a virtual job of delivering this oxygenated blood to the entire body through the aorta. That's good बेटा. So now sit, sit. Now firstly revise this part. हम पहले रिवाइज करेंगे. कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? विच साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड? यस, विच साइड ऑफ द हार्ट रिसीव प्योर ब्लड? यस, किसी का मुझे हैंड दिख रहा है नीचे जो बैठे. बेटा आपका ना कैमरा नहीं है उधर फोकस. सो जिसका हैंड रेज है वो अपने आप ही माइक के पास आ जाए. यस, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, दैट्स गुड. सो लेफ्ट साइड इज द रिसीविंग पार्ट, बट कौन सा रिसीविंग? प्योर ब्लड. ओके, नाउ विच ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल जो है प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट के पास लेके आती है? विच ब्लड वेसल्स? हमने लास्ट टाइम इसका एक डायग्राम किया था, वेल लेबल डायग्राम. ठीक है, सो टेल मी विच ब्लड वेसल्स, ओके, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड टुवर्ड्स हार्ट? कौन लेके आती है? यस, फर्स्ट बेंच थर्ड बॉय, फर्स्ट बेंच थर्ड बॉय. हाँ बेटा आप बताइए. आर्टरीज़ आर्टरीज? कौन सी आर्टरी बेटा, विच आर्टरी? मैम ऑक्सीड हियर इज एन एक्सेप्शन. अगर आपने वो डायग्राम किया होगा ना बेटा, यू मस्ट हैव सीन एन एग्जैक्ट एक्सेप्शन हियर. यस पल्मोनरी वेन ऑलवेज, हमने क्या कहा था, वेन जो है लेके जाती है, दूर लेके जाती है या पास लेके आती है? पास लेके आती है ना. यस यहां पर मगर कौन सा वाला ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड, अदरवाइज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट की तरफ. सो हियर इज एन एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन, इट्स पल्मोनरी वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, नॉट वेन्स, इट्स वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. सबने लिखो, सब लिखो बेटा, ये सब भूले हुए हो, एक हफ्ते में सब भूल जाते हो आप लोग.
आप एग्जाम में कैसे करोगे? आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे ही क्वेश्चन डालने वाली हूँ, ठीक है? अगर आप ये याद नहीं रखोगे, मार्क्स कैसे लाओगे? नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड व्हाट? व्हाट डू वी कॉल दीज चैम्बर्स? लोअर चैम्बर्स। ये दोनों चैम्बर्स को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब जो है पल्मोनरी वेन से ब्लड आ गया है हमारी आट्रियम में, और आट्रियम से जा रहा है वेंट्रिकल में, ठीक है? वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल क्या करता है? जोर से प्रेस करता है और ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। अब सोचो, थिंक अबाउट दिस, वेंट्रिकल्स का काम तो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आट्रियम। आट्रियम तो सिर्फ ले रहा है, ज्यादा तो प्रेस नहीं कर रहा, जबकि वेंट्रिकल तो बहुत जोर से प्रेस करेगा तभी वो पूरे ब्लड तक जाएगा। अब क्या आपको लगता है आट्रियम वॉल्स एंड वेंट्रिकल्स वॉल्स थिकनेस इज सेम और डिफरेंट? बताओ। डिफरेंट अब डिफरेंट है, कौन सी थिन होनी चाहिए, कौन सी थिक होनी चाहिए? किसकी वॉल मोटी होनी चाहिए, किसकी पतली होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स को तो बहुत प्रेशर के साथ जो है उसे पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे दूर भेजना है। अब आपके पास वॉल है, एक पतली एक ईंट की वॉल बना दी है, ठीक है? उसमें अगर आप जोर लगाओगे, एक बच्चा जोर लगाएगा, क्या होगा? नहीं टूटेगी। लेकिन अगर सारे लगा दोगे टूट जाएगी। तो वहां पर मोटी वॉल चाहिए हमें, ताकि टूटे ना, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है बच्चों का, तो उस हिसाब से मोटी वॉल लगनी चाहिए। सेम हियर, वॉल, द वॉल ऑफ दिस वेंट्रिकल इज थिकर बिकॉज इट हैज टू पंप टू द फार, वी कैन से डिस्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है? जो दूर बैठे हैं, इवन हमारे टोज, हमारे फिंगर्स, हमारे ब्रेन। सो ब्लड इज रीचेस टू ईच एंड एवरी पार्ट बिकॉज वेंट्रिकल इज पंपिंग सो हार्ड, ओके? सो दैट्स व्हाई। नाउ दिस इज द रोल ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल? इस वेसल को क्या कहते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा है, जो बॉडी तक जा रहा है? अब जो हमारे हम सांस ले रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच रही है, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, व्हाट डू वी कॉल इट? इवन इट इज मेंशन इन द क्वेश्चंस ऑलरेडी। इफ यू रीड और इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन, इट इज मेंशन इन दैट ओनली। बेटा ध्यान से देखो, सारी चीजें आप ही के पास है। इवन लास्ट टाइम जो आपने ड्रॉ किया है, यू कैन यू नो गो थ्रू दैट ऑल्सो टू गेट द आंसर। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेसल जो कि वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड है हमारी बॉडी में दे रही है? जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसका लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज द आंसर। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज रिटन हियर? फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड। अरोटा यस, अवर्टा। सो दैट इज द आंसर, ठीक है? अब हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, उसको अब कौन लेके आ रहा है? कौन यहां से जो है वो वाला ब्लड राइट ऑरिकल या आट्रियम में दे रहा है? कौन सी ब्लड वेसल है? विच ब्लड वेसल इज प्रेजेंट हेयर? कौन सी ब्लड वेसल है? एंड इट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है, कौन सी होगी? इसका भी मैंने नाम लिखवाया था जो हमने एक डायग्राम किया है। यस, 7C, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट रो गर्ल। यस बेटा, मैम वीना कोवा। यस, वेना कावा। दैट्स गुड, इट्स अ वेना कावा, ओके? अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल वो वाला ब्लड किसको देगा? लंग्स को, कि वापस जाओ और ऑक्सीजनेटेड बन जाओ।
सो व्हाट इज द नेम ऑफ नाउ दिस ब्लड वेसल जो वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट लंग्स तक लेके जा रही है? ओके, मैं आपको इतना इजी वे बताती हूँ। लंग्स से निकलने वाली और लंग्स तक आने वाली जो ब्लड वेसल होगी उसके नाम में पल्मनरी आएगा ही आएगा, ठीक है? जो भी ब्लड वेसल यू नो कमिंग आउट ऑफ लंग्स और गोइंग टुवर्ड्स लंग्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पल्मनरी। तो यहां पर पल्मनरी तो आएगा ही आएगा, ओके? पल्मनरी इज ऑब्वियस, बट इज इट वेन और आर्टरी? इट्स आर्टरी, है ना? सो इट्स आर्टरी। सो सबने ये याद रखना अपने दिमाग में बेटा, चाहे स्टार करके अपने नोट्स में लिखो, द वेन दैट इज कमिंग आउट ऑफ लंग्स और मूविंग टुवर्ड्स लंग ऑलवेज स्टार्ट विथ पल्मनरी। पल्मनरी मीन्स दैट अफेक्ट लंग्स, ठीक है? यू शुड नो व्हाई इट इज कॉल्ड पल्मनरी। एंड हमें पता है वेन क्या करती है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, सो इट इज कॉल्ड वेन, ठीक है? एंड दैट इज टेकिंग अवे फ्रॉम हार्ट व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आर्टरी। गॉट इट? यस और नो? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। यस, सेवंथ एंड सेवंथ बी, इज इट क्लियर? यस। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, वी हैव रिवाइज दिस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, Now what will happen if right and left side of heart is not completely separated from each other? So हमने ये वाला क्वेश्चन we did last time also. अगर यहाँ पर ये septum present नहीं होगा, so what is going to happen? What is going to happen? Yes, 7C, second bench, first row girl. आ जाओ बेटा, come forward. Yes, you tell me the answer. ऑक्सीजन रिच ब्लड विल गेट मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। Yes, that's right. Even along with this, beta cells will not work properly because they are not getting enough oxygen, है ना? यस, So all the ऑल ऑफ द yes, that's good. Sit down, beta. So yes, answer of this first का one part का is D. Coming to second, the muscular walls of ventricles are thicker than artery because who will tell? Raise your hand, beta. Why the walls of ventricles are thicker? We just discussed about this. Why these are thicker? Raise your hand. Yes, 7C, third row, and I think third bench girl. Yes. मैम वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट मोर एज दे हैव टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू फार पार्ट ऑफ बॉडी। Yes, that is the correct answer. And even the below, which is showing why artery is not having thicker wall, because they have to send only to ventricles. So both A and B are correct. That's good, beta. ठीक है, so C is the correct option. Okay. Coming to third, rate of heart beat is, ये हमने बेटा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डेड लास्ट टाइम, यू कैन सी द आंसर फ्रॉम देयर। द थर्ड क्वेश्चन वी हैव अटेम्प्टेड लास्ट टाइम, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ओके, सो सी फ्रॉम देयर। कमिंग टू फोर्थ, इफ आर हार्ट बीट, ठीक है, वन हार्ट बीट पर सेकेंड, सो 1 मिनट में कितनी होगी? सिक्सटी। यस, दैट्स गुड। अगर हमारी जो है यहाँ पर 60 हो जाएगी, यहाँ पर हमारा ये बढ़ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है? नाउ फिफ्थ, समटाइम्स व्हेन वी हैव अ ब्लड टेस्ट, यू ऑब्जर्व दैट टेक्नीशियंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द सुपरफिशियल वेसल्स, नॉट फ्रॉम अ डीपली सिचुएटेड वेसल। नेम दिस सुपरफिशियल वेसल। सो अगर आपका कभी नहीं हुआ, किसी का तो देखा हो गया आपने ब्लड टेस्ट होते हुए,
तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ये जो एल्बो है बेटा, यहाँ तक वो कहते हैं यहाँ पर अपना बाजू ऊपर करें ऐसे, जो है टाइट ऐसे कर ले, फीस्ट, मेक अ टाइट फीस्ट, देन दे डू लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर जो वेन है जो ऊपर है, ठीक है, उसको लेते हैं। वाई सो? फर्स्ट इज इट इज जस्ट नियर टू द स्किन, स्किन के एकदम पास है, उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। सेकेंड, इट इज अ लार्जर, बड़ी वेन है, छोटी पतली सी नहीं है कि इनको जो है इधर उधर सुई हो सकती है। सो दैट इज द रीजन। एंड नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्लड वेसल, राइट डाउन एवरीवन। सो इट्स अ फिफ्थ क्वेश्चन। सो इट एंटी क्यूबिटल, एंटी क्यूबिटल फोसा, नेम ऑफ दिस इज एंटी क्यूबिटल फोसा, जिससे ब्लड ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन टेल टू योर रिलेटिव्स, ओके, व्हेन दे यू नो गो फॉर ब्लड टेस्ट, दैट ये वाली आपकी ब्लड वेसल जो है ली जाती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है और बड़ी है, सो दैट्स द रीजन, ठीक है। नाउ कमिंग टू सिक्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वॉल्स प्रेजेंट बिटवीन द टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, नेम्ड एज आट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो वापिस हम उस स्ट्रक्चर पे जाते हैं, गो बैक टू दैट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बेटा हमने लास्ट टाइम भी किया था, यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पर होता है, वो किस लिए होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापिस आट्रियम में ना जाए, क्योंकि उसने आट्रियम के लिए प्रेसिंग नहीं करा, इट इज प्रेसिंग टू यू नो टू मूव ब्लड फर्दर, जो हार्ट है उसे बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसके बीच जो होता है, राइट डाउन द नेम, आई थिंक वी हैव डन लास्ट टाइम ऑल्सो, ट्राई कप्सेट, नेम इज ट्राई कप्सेट वॉल, जो राइट टू राइट प्रेजेंट होता है, लेफ्ट टू लेफ्ट इज बाय कप्सेट, बाय कप्सेट। अब आपको कैसे याद करना है कि ट्राई आएगा बाय आएगा, हम लेफ्ट हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, दाया या बाया, अभी भी बताना पड़ेगा। हाँ, राइट हैंड को क्या कहते हैं, दाया, लेफ्ट हैंड को क्या कहते हैं, बाया, बाया हाथ, ब याद आ रहा है, बाया। तो इसमें जो वॉल प्रेजेंट है, जो चैम्बर के बीच में लेफ्ट में, वो बाया से है, बाई कप्सिट, ठीक है। तो यहां पर आपने बाई याद करना है कि बाई कहाँ प्रेजेंट होगा, बाया में, बाय हाथ, बाई साइड, ठीक है। बच गया कौन, ट्राई, ट्राई जो है राइट में प्रेजेंट है, क्लियर, यस, याद रहेगा वैसे, यस और नो, यस, दैट्स गुड। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, असर्शन, मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर थिकेस्ट, रीजन, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अभी हमने वेंट्रिकल्स की वॉल्स की थी, नाउ हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब देखो बेटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके, फर्स्टली मैं इरेज करती हूँ बिकॉज इट इज बिकम सो क्लम्सी। ठीक है, सो नाउ इट्स इजी फॉर यू टू सी। नाउ दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज गिविंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इवन टू द टोस, एंड दिस इज ओनली गिविंग टू लंग्स ओनली। जो राइट वाला है वो लंग्स को दे रहा है, तो इनमें से कौन सा मोटा होगा ज्यादा, लेफ्ट और राइट? यस बेटा, टर्न ऑन योर माइक देन स्पीक अप, हाउ कैन आई सी, फर्स्ट बेंच वालों की ड्यूटी है बेटा, अपना माइक ऑन करो और स्पीक अप। सेवंथ ए सेक्शन, बेटा माइक ऑन करो और स्पीक अप। सेवंथ ए और बी वाले जो बैठे हैं साथ में, बेटा माइक को ऑन कर, कोई आंसर बताओ, व्हाट डू यू थिंक, कौन से वाले की वॉल ठीक होगी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट, यस, लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज इट इज गिविंग और पंपिंग ब्लड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, दैट्स करेक्ट। सो हेयर बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट, राइट डाउन, बोथ रीजन एंड असर्शन इज करेक्ट।
ठीक है, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, एसर्शन, द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, डू यू थिंक इट्स करेक्ट? राइट साइड इज यू नो हैविंग प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड? किसके पास प्योर ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी साइड रिस्पॉन्सिबल है, राइट और लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट। तो दिस असर्शन इज रॉन्ग, है ना, फॉल्स लिख दो। रीजन, द राइट साइड ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स इट टू द लंग्स। दिस इज करेक्ट बट इट इज नॉट। यस बेटा, सो रीजन इज करेक्ट बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द असर्शन। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। ये वाला डायग्राम तो वैसे बेटा हमने किया, ये फिफ्थ का है, लेकिन फोर्थ का सुनो। व्हाई पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी इफ इट डजंट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड? सो हियर वी मेंशन ना कि जो राइट वेंट्रिकल है, इससे पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है, जबकि हमने लास्ट टाइम किया था आर्टरीज यूजली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हियर इज एक्सेप्शन। एंड वाई इट इज कॉल्ड आर्टरी इफ इट इज टेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सो रीजन इज, फर्स्टली इट इज कॉल्ड पल्मोनरी, वाई? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग लंग, एज आई टोल्ड यू, ब्लड वेसल्स दैट इज कमिंग आउट और मूविंग टूवर्ड लंग्स आर कॉल्ड पल्मोनरी। नाउ बिकॉज इट इज टेकिंग अवे, इट इज टेकिंग अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट इज कॉल्ड आर्टरी। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट से लेके जा रही है, आर्टरी का काम लेके जाना है, ठीक है, हार्ट से दूर लेके जाना है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टरी। बट पल्मोनरी वाई? बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स लंग्स। गॉट इट? सो हियर द आंसर इज ए, फोर्थ आंसर इज ए। कमिंग टू फिफ्थ, कमिंग टू फिफ्थ, बेटा ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में यही किया है, अब मैं ये आपसे पूछूंगी। सबसे पहले आते हमने ABCD यही वाला चीज किया था, ठीक है। नाउ टेल मी, ये जो डायग्राम है इसमें ए क्या है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रहा है फ्रॉम द लंग्स, व्हाट इज ए? पल्मोनरी यस, पल्मोनरी वेन, दैट्स गुड। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डी वाला है, आई एम आस्किंग अबाउट द डी, डी फॉर दिल्ली। सो लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बॉडी जो जा रहा है, ब्लड वेसल्स कौन सी है यहाँ पर? विच ब्लड वेसल्स टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड? यस, 7C, फर्स्ट बेंच, मिडल रो गर्ल, एओर्टा। यस, इट्स एओर्टा। कमिंग टू, नाउ कमिंग टू बी, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस हार्ट की तरफ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है इसे? ठीक वेना कावा। यस यस, अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, जो अभी यहां पर लिखा भी हुआ, दैट्स गुड। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इट्स बी, है ना, बी, दैट्स गुड, वंडरफुल स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिवीजन और वर्कशीट दोनों होगी, ठीक है, फर्स्ट हार्ट की। नाउ मूविंग टू आवर टुडेज टॉपिक, अब हमने अपने बारे में पढ़ लिया, हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, बिकॉज दीज आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड वेयर फूड ऑफ द प्लांट्स सिंथेसाइज, कहाँ बनता है प्लांट्स का खाना, कहाँ बनता है, कौन से पार्ट में खाना बनता है? यस, 7th, 8th, सेकेंड बेंच बॉय, रूट लीव्स। पानी कैसे लेता है प्लांट? लीव से लेता है, कहां से लेता है? रूट्स, दैट्स गुड, बहुत स्मार्ट बच्चे हो फिर, है ना, सबको पता है खाना कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है। अब क्या जो लीव्स है उसको पानी चाहिए होता है? डू लीव्स नीड वॉटर? तू कैसे लेगा, हमने तो पानी नीचे रूट्स में दिया है, तो रूट से पानी कैसे जाएगा ऊपर? हाउ, कैसे जाएगा? अच्छा, जाइलम, सबको नाम पता है।
और जो खाना लीव से बना है वो रूट्स तक और बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगा? दैट्स रियली गुड, है? सबको पता आंसर, दैट्स रियली गुड कि कौन कैसे लेके जाता है, दैट्स वंडरफुल टू नो दैट। ठीक है, सो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन का तुमने आंसर दे दिया सभी ने, हाउ डज फूड एंड वाटर इन द वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड? सो यस, थ्रू टिश्यू, थ्रू टू टिश्यूज, ठीक है, टू टिश्यूज, फ्लोएम एंड जाइलम, एंड दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये रहा हमारा जाइलम वाला। जाइलम है क्या? पाइप, जैसे अगर हमारे घर में नीचे जो है मोटर लगी है और ऊपर हमने पानी पहुंचाना है ओवरहेड टैंक में, वी नीड पाइप, है ना, पाइप चाहिए जो ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाए पानी। सिमिलरली जो रूट्स हैं, ओके, अब यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा बोर्ड का यूज करते हैं। जो रूट्स हैं वो नीचे स्प्रेड होती है और उसके रूट हेयर्स होते हैं, मेनी रूट हेयर्स, एंड दीज रूट हेयर्स बेसिकली हेल्प रूट टू एब्सॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। जो भी सॉइल, जो भी प्लांट है वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट जो उसके पास आते हैं वो नीचे से आते हैं, रूट से एब्जॉर्ब होता है, और कैसे होता है, जब वो पानी में डिजॉल्व होके उसके साथ रूट्स तक जाते हैं। एंड दीज रूट हेयर्स हेल्प इन मोर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, जगह ज्यादा, जितनी ज्यादा रूट हेयर्स होंगे तो क्या होगा, उतना जगह ज्यादा घेरेगा, उतना वो फैलेगा, जितना फैलेगा दूर दूर के न्यूट्रिएंट्स, दूर दूर से पानी वो लेता आएगा। ठीक है, अगर आपका हाथ जो है अगर पास में रखोगे आप उतने वहीं तक पहुंच सकते हो, लेकिन दूर तक करोगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, दूर तक पहुंच हो जाएगी। सेम लाइक इन रूट्स ऑल्सो, रूट हेयर्स क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्प करते हैं मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में। नाउ जब हम कह रहे हैं मिनरल एंड वाटर, डू यू नो व्हाट दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मिनरल एंड वाटर, व्हाट इट इज कॉल्ड, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एंड वाटर इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सैप, राइट डाउन, इट इज कॉल्ड सैप, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि वो दोनों लेके जा रहा, अकेला पानी तो नहीं लेके जा रहा ना सॉइल से, तो सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट है और हमने जो पानी दिया है वो भी प्रेजेंट है। अब ये दोनों जो है मिक्स होके नाउ गोइंग इनसाइड रूट एंड इट इज कॉल्ड सैप, ओके, इट इज कॉल्ड सैप। ठीक है, अब क्योंकि ये सैप अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स हियर इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, सोचो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, कोई मोटर नहीं लगी यहां पर, पंप नहीं लगाया हमने यहां पर, स्टिल इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड व्हाट, क्योंकि कौन जा रहा है, सैप जा रहा है ऊपर, इट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर जाना, असेंडिंग, असेंडिंग, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब कम से ज्यादा की तरफ, तो ये यहां से ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मूविंग अपवर्ड, सो इट इज कॉल्ड एसेंट, कौन जा रहा है, एसेंट ऑफ सैप, इट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, हाउ कम, कैसे जा सकता है, हमने कोई पंप नहीं लगा रखा, हमने कुछ नहीं लगा रखा, प्लांट में कोई पंप नहीं लगा, कोई मोटर नहीं चल रही, कैसे ये जा रहा है, सोचा है कभी ये? अगर आपके घर में मोटर ना हो क्या पानी ऊपर टैंक में चला जाएगा? नो तो इसके पास कैसे जा रहा है, हाउ इट इज मूविंग, कोई तो पुल होना चाहिए, कोई खींच रहा हो पानी को, सो हियर कम्स ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसको पता है क्या होता है ट्रांसपिरेशन, हु कैन टेल मी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? यस, फर्स्ट बेंच सेवेंथ है, बताओ बेटा,
लॉस ऑफ वाटर इन द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यस, लॉस ऑफ वाटर। अब आप इसको सोचो, सभी पानी का लॉस हो गया, चला गया पानी ऊपर वाले पार्ट से, अब क्या होगा? दोबारा चाहिए उन्हें पानी या नहीं चाहिए? दे नीड वाटर और नॉट? अगर हमने अभी पानी पिया है, कुछ देर हमने बहुत काम किया, डू वी फील थर्स्टी और नॉट? वी फील थर्स्टी। सिमिलरली प्लांट इज ऑल्सो फीलिंग थर्स्टी नाउ, सो व्हाट इट डज, क्या करेगा? पानी नीचे से खींचना शुरू करेगा कि अब फोर्स क्या है यहां पर? फोर्स है ट्रांसपीरेशन, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है, ठीक है? तो वो तो ऊपर जा रहा है, अब उसको वापस चाहिए तो वो खींचना शुरू करेगा, और उस पुल को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन तो आपको पता है क्या है, अब इसी को हम कहते हैं जो पुल है, जो फोर्स है जिससे वो खींचा आ रहा है, ठीक है? द फोर्स बाय विच इट इज गेटिंग पुल्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशनल पुल, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू मूव सैप अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपीरेशनल पुल, खींच रहा है ये, ठीक है? इस वजह से हो रहा है। अब ये ट्रांसपीरेशन कहां से होती है? फ्रॉम वेयर दिस ट्रांसपीरेशन इज हैपनिंग? कोई डोर है, कोई विंडो है प्लांट्स में जहां से पानी बाहर निकल जाएगा? यस, विच? एक बच्चा बोलो माइक के पास आके। स्टोमेटा, टोमेटा यस। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स हैं एंड दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा, फ्रॉम वेयर वाटर इज गेटिंग लॉस्ट। मगर स्टोमेटा बेचारे का काम सिर्फ नुकसान करना नहीं है, है ना? इसको कल्प्रिट मत समझना। स्टोमेटा का काम सिर्फ जो है वेस्ट करना नहीं है, ये और भी काम करता है, फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, ठीक है? गैसेस एक्सचेंज यहीं से होती है। तो स्टोमेटा, अब जब ये ट्रांसपिरेशन होता है, अब ये पानी का जो लॉस हो रहा है, ये कैसे प्लांट्स के लिए फायदेमंद है? पानी वो इतनी मेहनत करके पानी रूट से लीव्स तक आ रहा है, देन इट इज गेटिंग लॉस्ट, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन? सो ट्रांसपीरेशन बेसिकली हेल्प्स टू गेट मोर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जितना ऊपर आएगा पानी, उतना मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे जो कि उसको चाहिए। अलोंग विद दिस, जब लीव के सरफेस से इवेपोरेशन हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है, जो प्लांट है उसमें कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, प्लांट ठंडा है। कभी प्लांट देखा है कि प्लांट को टच करो यू फीलिंग इट्स हॉट? कभी ऐसा लगा है किसी पौधे को टच करके, अरे इसको तो मैं छू नहीं सकता या सकती क्योंकि गर्म है? कभी होता है ऐसा? जबकि वो प्लांट्स जो है दे आर लिविंग यू नो इन ओपन एरिया, कभी ऐसा होता है? डिड यू नोटिस दैट कि किसी को प्लांट को टच किया, जैसे अगर हमारी चेयर हो या मेटल की कोई चेयर हो, धूप में पड़े हम टच करें, वी फील द हॉटनेस, क्या ऐसा कभी किसी प्लांट को टच करने पे होता है? प्लांट तो सुबह से लेकर शाम तक ही धूप में होता है, होता है ऐसा? अब ये क्यों नहीं होता बेटा? यहां पर अगेन ट्रांसपिरेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, क्योंकि जो पानी लॉस हो रहा है, पानी उसकी बॉडी से निकल रहा है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जा रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ठंडा रहता है, वो गर्म नहीं रहता। सो ट्रांसपिरेशन के फायदे बहुत है, एक तो मिनरल्स भी मिलता है प्लांट को, और दूसरा उसको जो है ठंडा कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है? सो दीज आर द फैक्टर्स, और वी कैन से दीज आर द रीजन, ठीक है? अब आ जाते हैं इसमें, ये 99% जो है वाटर लॉस हो जाता है जो वो लेता है, सिर्फ 1% वाटर प्लांट यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है? अब ये था हमारा एसेंट ऑफ सैप, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल, और जो ब्लड वेसल्स है जो आपने बता दिया जाइलम। ऐसे ही सेम खाना जो है, जो लीव्स में बना है, वो कहाँ जा रहा है? पत्तों से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करो, वाटर जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर, और कहीं तो है नहीं पानी,
है ना, रूट से नीचे तो कुछ है नहीं, देर इज नथिंग यू नो बिलो द रूट, सो इट इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन. वॉटर की जो मूवमेंट है इन जाइलम ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, जबकि फ्लोएम जो है वो खाना लीव्स जो है ये नहीं कि सबसे ऊपर ही प्रेजेंट है, उससे ऊपर स्टेम भी प्रेजेंट हो सकती है, फ्लावर भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्रूट्स भी, है ना, मेनी मोर. सो द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स इज बाई डायरेक्शन, ऊपर भी नीचे भी. फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसफर है दैट इज बाई डायरेक्शन, सो वी कैन से जाइलम किसके लिए चाहिए, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड इट इज यूनि डायरेक्शन. राइट डाउन बेटा, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड नो. नाउ फ्लोएम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड इट इज बाय डायरेक्शनल. ओके, इट इज बाय डायरेक्शनल. अब आ जाओ अपने फिर से असाइनमेंट में, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करके जो है सेक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम 11th क्वेश्चन. इफ रूट हेयर ऑफ ए प्लांट गेट्स डैमेज एंड फॉल ऑफ, देन क्या होगा, हु विल टेल द आंसर. अगर रूट हेयर नहीं होंगे प्लांट्स में तो क्या हो जाएगा, हमने भी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी रूट हेयर की, अगर रूट हेयर नहीं होंगे तो क्या होगा. कैनेट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. यस, और सरफेस एरिया, हमने एरिया की बात की थी. सो बोथ बी एंड सी, राइट डाउन 11th का आंसर जो है डी, बोथ बी एंड सी. कमिंग टू 12th, एसेंट ऑफ सैप इज क्या होता है, रेज योर हैंड. अभी हमने डिस्कस किया है 7C, फर्स्ट बेंच गर्ल. अच्छा, जिनको आता है ना बाकी सबको, वो मुझे फिंगर्स दिखा के बताओ. मैं 7A 7B में बहुत हैंड्स देख रही हूँ. फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 एंड डी के लिए, तो मुझे बाकी सबका ही पता लग जाएगा कि यू आर करेक्ट और नॉट. सो आई कैन सी द फिंगर्स नाउ, दैट्स रियली गुड. व्हाट अबाउट यू बेटा जो आए हैं आगे, स्पीक अप. यस, व्हाट्स योर आंसर. मैम ऑप्शन 3. यस, इट्स सी, इट्स सी. कमिंग टू 13, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट ऑफ प्लांट. हाउ ट्रांसपिरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट. ये भी अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट क्यों ठंडा रहता है ना, वी डिस्कस्ड अबाउट इट. ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड. यस, हु वॉन्ट्स टू आंसर. यस, इट्स इजी. यस, कैसे कूलिंग इफेक्ट होता है. 7C, सेकेंड मिडल रो, सेकेंड लास्ट बेंच बॉय. बेटा नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू यू, जो आपके साथ है आप आओ. हाँ जी, आप आ जाओ. बाकी जिनको आता है फिंगर शो करो मुझे आंसर के लिए. ओके, दैट्स रियली गुड. यस, बेटा 13 का आंसर बताओ. कैसे ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है कूलिंग में. सी ऑप्शन. ओके, और सेइंग सी ऑप्शन. ओके बेटा, सेट डाउन, गुड अटेम्प्ट. बाकी कौन बताएगा क्या होगा. मैंने 7A में बहुतों की फिंगर देखी, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड 1, ए ऑप्शन. सो आंसर इज ए, हीट इज कंज्यूम्ड. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग कूलिंग इफेक्ट. कमिंग टू 14th, तो ये तो भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसके बारे में डिस्कस किया. प्लांट्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, बट 99% ऑफ द वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन. सो व्हाई प्लांट्स ट्रांसपायर मच ऑफ वॉटर.
नाउ ओके, 7C, फर्स्ट पेंच कर्व, मिडल रो. मैम ऑल ऑफ द अबव. यस, इट्स ऑल ऑफ द अबव, दैट्स गुड. कमिंग टू रीजन एंड असर्शन. असर्शन, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन कॉजेज विल्टिंग. रीजन, विल्टिंग इज ड्रूपिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू लैक ऑफ वॉटर. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू और नॉट? यस, इज इट ट्रू और नॉट? ग्रो बोथ आर ट्रू. यस, ठीक है. सो दैट इज व्हाट. सो दैट्स रियली गुड. अब देखो बेटा, हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा हाउ आर बॉडी, इवन अबाउट अस ऑल्सो, यू नो, थिंग्स ट्रांसपोर्ट, हाउ थिंग्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दैट इज व्हाट वी नीड और प्लांट नीड, है ना. बट जब किसी चीज की इनपुट होती है, व्हेन वी आर टेकिंग समथिंग, तो उसकी आउटपुट भी होती है. यस, अगर हमारे इसमें यहाँ पर जो है सारा चला गया है खाना, और प्लांट्स में भी जा चुका है फ्लोएम और इसके थ्रू, ठीक है, क्या अब हर चीज सिर्फ हमें इसी के लिए चाहिए? वी नीड ओनली, और वी ओनली नीड इनपुट, और वी नीड टू डू आउटपुट ऑल्सो. यस, आउटपुट भी चाहिए हमें या नहीं चाहिए? यस और नो? सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स आफ्टर द बॉडी यूटिलाइज सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड टू इट? हमने ऑक्सीजन ले ली, हमने खाना खा लिया, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया. अब उसमें से कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस और नो? ऑरेंज का जूस कौन कौन पीता है? हैंड रेज करो पहले, रेज योर हैंड, कि अगर आप ऑरेंज जूस पीते हो. अभी सर्दी आ रही है ना, तो आप पियोगे, सभी पियोगे ना. कभी देखा है जब ऑरेंज का जूस निकलता है, जब वो जूस निकालते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट भी निकलता है, फाइबर निकलता है साइड में? यस और नो? तो हमारी यहाँ पर इनपुट क्या हुई? जो जूस था, जो हमने संतरा डाला था, उससे हमें जो चीज चाहिए थी वो क्या थी? जूस, वो मिल गई. लेकिन जो नहीं चाहिए, वेस्ट, उससे हमें छुटकारा चाहिए, है ना. वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट. सिमिलरली इन आर बॉडी ऑल्सो, वट एवर आर बॉडी नीड्स, इट टेक इट. और जो चीज नहीं चाहिए उसको बाहर भेज देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट हो रही है. और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हु कैन टेल मी व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड? एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन. नाउ अभी हम एक्सक्रीशन आज स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्लास. बट यहां पर मैं आपको कोई एक इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ, जिसपे मैं आपको एक क्वेश्चन देती जाऊंगी, जैसे लास्ट टाइम दिया था. फिश, फ्रॉग, ह्यूमंस एंड बर्ड, व्हाई आई एम शोइंग यू दिस? सब एक्सक्रीट करते हैं, है ना, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी ऑल एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आर बॉडी. बट दीज आर डिफरेंट. लेट मी टेल यू, फिश का जो एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दैट इज अमोनिया. राइट डाउन बेटा, सब लिखो. द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फिश इज अमोनिया. द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फिश इज अमोनिया. कमिंग टू फ्रॉग एंड इवन टू ह्यूमंस, फ्रॉग्स आर वर्ट एम्फीबियंस दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वॉटर, एंड ह्यूमन वी कैन लिव ऑन लैंड. वी सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन राइट डाउन एम्फीबियन ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन्स आर यूरिया. हमारा क्या है? यूरिया. वी एक्सक्रीट यूरिया. कमिंग टू बर्ड्स, देअर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड. देअर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड. सो हियर अमोनिया, अ
फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है, बहुत पानी है। जहां ज्यादा पानी होगा, जो ज्यादा पानी यूज करता है, दे सिक्रीट अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। राइट डाउन, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक एंड एक्सक्रीट बाय दोज ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीट बाय दोज ऑर्गेनिज्म हु लिव इन वॉटर, हु लिव इन वॉटर। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक एंड एक्सक्रीट बाय दोज ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन वॉटर। पानी ज्यादा है, टॉक्सिक है, तो उसकी वजह से उसको इफेक्ट नहीं करेगा। पानी में वो डिजोल्व हो गया तो उसका जो है असर खत्म। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन। हमारे पास उतना पानी नहीं है, हम पानी के अंदर नहीं रह रहे, लेकिन हम पानी पीते हैं, हमें मिल जाता है, वी गेट सफिशियंट वाटर, है ना, वी गेट सफिशियंट वाटर। मगर हम अमोनिया जितना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इट बिकम टॉक्सिक टू अस। सो उससे जो कम टॉक्सिक है, दैट इज यूरिया। अपने उसमें लिखो एडिक्वेट वाटर, वी गेट एडिक्वेट वाटर, लिखो वी गेट एडिक्वेट वाटर, दैट्स वाई वी सिक्रेट यूरिया। अब बर्ड जो है वो तो ग्लास, पानी का ग्लास लेके नहीं उड़ेगा ना। डू यू थिंक बर्ड्स फ्लाई विद अ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, और बॉटल, आपकी तरह बॉटल लेके चले हो? नहीं ना। अब तो उनको इतना ऊपर वो उड़ रहे हैं, इतनी एनर्जी उसकी लगती है, अगर वो पानी ऐसे ही वेस्ट कर देगा अमोनिया या यूरिया की तरह, तो क्या होगा? वो तो थर्स्टी रहेगा ऑलवेज। सो टू कंजर्व वाटर, क्योंकि उसके पास सफिशियंट वाटर नहीं है, एक बारी में वो इतना पानी भी नहीं पिएगा कि हाँ भी वो भर ही जाए, तो उसके पास पानी को बचाने के लिए, जो उसने पानी पिया है, टू सेव दैट वाटर, उसका जो यूरिन होता है थिक होता है, दे एक्सक्रीट थिक यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, बिकॉज दे हैव लेस वाटर। राइट डाउन, दे हैव लेस वाटर, दे एक्सक्रीट थिक यूरिन और थिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो कभी भी आप किसी बर्ड का यूरिन नहीं देख पाओगे गीला, क्योंकि वो थिक यूरिन पास करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, बिकॉज दे नीड टू सेव वॉटर, दे सेव वॉटर। सो बेस्ड ऑन कि हमारे पास पानी कितना है, आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वी हैव, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूं, हाउ मेनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वी हैव, कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपकी बुक में लिखा हुआ है, अपनी बुक को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? उससे पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ किडनीज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ किडनी, ब्रैकेट में लिखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? नाउ दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, दैट यू हैव टू डू बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? सो नाउ बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। चलो लेट अस स्टार्ट इट। जो हमारे पास फाइंड करने वाली वैल्यू है, आपको सबको दिख रहा है, एक्स की जगह आप एक्स की वैल्यू लगा दोगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू लगा दोगे, दैट यू नो। लेकिन एक छोटी सी चीज हमारे पास और एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज एक्स वाई।
एक्स इंटू वाई हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई आ रही है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई निकाल लेते हैं सो दैट क्वेश्चन हमारा इजी बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन इजी करने के लिए हम सबसे पहले एक्स वाई को सेपरेट निकाल लेते हैं। तो लेट अस राइट इट, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10 इंटू -3/8। इसको हम लिख लेते हैं क्या आ रहा है, दिस इज -3/80। मेरी तो नहीं, ऑफिस मिला मेरी होगी 10 तक, वो चलेगी मैम साइंस के लिए। ओके बेटा, एक्स वाई हमने निकाल लिया -3/80, अब इसको हम यूज करेंगे। लेट अस राइट इट, पूरा हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, इसकी वैल्यू डालते हैं हम यहाँ पे। एक्स वाई की जगह आपके पास -3/80 आएगा। कई बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि दे नो हाउ टू राइट द वैल्यूज, वो करते रहो अपना अपना। जिनको पता है कि हमने वैल्यू पुट करनी है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, वो दे कीप डूइंग एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड, करने के बाद चेक करना कि कहाँ पे आपकी गलती है। जिनको नहीं आता बिल्कुल भी, दे विल लुक एट द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्स वाई की वैल्यू डाली है बेटा यहाँ पे, देन ओनली एक्स दैट इज 1/10, देन ओनली वाई दैट इज -3/8। न्यूमिरेटर हमारा खत्म हो गया, नाउ वी आर राइटिंग द डिनोमिनेटर दैट इज ओनली वाई दैट इज -3/8। -3/8 हमारा सेफली पढ़ा रहे इसलिए हमने उसको ब्रैकेट डाली है। जब भी कोई नेगेटिव वाला नंबर होता है उसको ब्रैकेट में डालो, सेपरेटली डालो, क्योंकि एक सेपरेट नंबर है वो। यहाँ पे देखा है आपने, यहाँ भी वाई को मैंने ब्रैकेट में डाला, ऊपर भी और नीचे भी, सो दैट हमारी गलती ना हो। ओके, नाउ यू आर डूइंग द नेक्स्ट स्टेप, यू आर ओपनिंग द ब्रैकेट, -3/80 प्लस 1/10 प्लस 3/8। अभी हैंड आपका थोड़ा फास्ट चलना चाहिए क्योंकि मेन चीजें हमने लिख ली हैं यहाँ पे, जल्दी से इसको सॉल्व करते जाओ। -3/8 अभी भी नीचे ही है। सबसे पहले हम ऊपर वाला फ्रैक्शन जो है वो यूज करेंगे। ओके, वी विल सॉल्व इट, आई एम डूइंग इट हियर। ऊपर वाले फ्रैक्शन को यूज करो। ऊपर वाली जो एडिशन आपको दिख रही है ना बेटा, ये वाली न्यूमिरेटर में, उसको सेपरेटली सॉल्व करो। रफ कॉलम बनाओ, उसको सेपरेटली सॉल्व कर लो। -3/80 प्लस 1/10 प्लस 3/8। आपको पता है कि फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे होती है? डू इट, पेन आपको चलना चाहिए, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, सबको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल द चिल्ड्रन जो मुझे बताएंगे क्या एलसीएम आएगा इसका, अभी हम रफ वर्क सॉल्व कर रहे हैं पहले। बी सेक्शन सेकंड बेंच बॉय राइट साइड पे जो अलग से बैठे हैं, सेकंड बेंच प्लीज टेल मी व्हाट इज एलसीएम। एटी, 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? अगर अभी नहीं निकाला तो बैठ के निकालो, इट्स ओके, सिट डाउन, डू इट क्विकली। द बॉय ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्नर में सेकंड बेंच, इसी के साथ ही जो कॉर्नर में बैठा लड़का, यस बेटा लास्ट बॉय। हाँ जी बेटा, आपने एलसीएम निकाला? नहीं, रेज योर हैंड, हैव यू फाउंड? 64 एलसीएम, जी बोलना, इट्स ओके, दोबारा करो। 64 नहीं है इसका,
एलसीएम निकालो इसका, मैं आपके लिए यहां पे कर रही हूँ 8, 10 और 80 का एलसीएम। डू इट, 2 मिनट लगेंगे इसको करने में, कोई जल्दी नहीं है। जो 64 निकाला है आपने, प्लीज चेक इट, दोबारा करो इसको, अपना अपना करो। वेरी गुड, बहुत ही मेजर स्टेप है ये क्वेश्चन का, इसमें गलती होगी तो होल क्वेश्चन इज रॉन्ग। सी सेक्शन लास्ट बॉय नियर द विंडो, यस दोनों बॉयज, एनी वन कैन कम। एलसीएम क्या आ रहा है? निकाले बेटे आपने? हाँ मैं ऐसा जी, कितना आया है? 80। 80, वेरी गुड, 80 बिल्कुल ठीक है। और किसका आ रहा है 80? रेज योर हैंड, वेरी गुड, आगे कंटिन्यू करो इसको। 80 एलसीएम में बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है कि 80 को 80 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × -3 इज -3, -3 को एज इट इज लिखोगे और ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि वो नेगेटिव साइन है, प्लीज रिमेम्बर। प्लस 80 को 10 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, ठीक है, 8 × 1 इज 8। प्लस 80 को 8 से डिवाइड किया 10 आएगा, 10 × 3 इज 30। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी ये, ठीक है। सबको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है, उसको हमने क्वेश्चन में यूज करना है। अभी हमारा रफ वर्क हो रहा है ये। अपना अपना एडिशन करो सारे। किस किस का 35/80 आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, इसको अभी क्वेश्चन में आ जाओ आप। ऊपर हमने न्यूमिरेटर में लिख दिया 35/80 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी -3/8 था, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन उसके साथ है। ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, यू नो 35/80 ऊपर वाला तो हमने एज इट इज लिखना है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप, रेज योर हैंड। अभी हमने आंसर पे नहीं पहुंचे, अभी हम, यू शुड नो कि हमने क्या किया है। इसमें दो फ्रैक्शंस की डिवीजन हो रही थी यहाँ पे, अप एंड डाउन, और जो डाउन वाला था फ्रैक्शन उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। ओके, अरे यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों विद द रेसिप्रोकल। ओके, नाउ यू कैन कट इट, सिंपल करो इसको, लोएस्ट फॉर्म में करो। 7 5s are and 5 2s are, आई होप इट इज ओवर नाउ। इट इज 7/-6, -7/6, यू कैन से नेगेटिव को, यू नो हमने बताया था कि जो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है उसको हम सेंटर में भी लिख देते हैं नेगेटिव साइन। हु हैव फाउंड -7/6, रेज योर हैंड, जिन्होंने निकाल लिया है और जिनको समझ भी आ गया है। ऑल राइट, हैंड्स डाउन। सो आपकी ऑप्शन आ रही है बेटा बी ऑप्शन, इसमें ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हमने प्रोडक्ट निकालना है, दो रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, -2 3/4 एंड मल्टीप्लाई का साइन डाल लो बीच में और ब्रैकेट भी लगा लो बिकॉज नेगेटिव साइन है हमारे पास।
बेटी अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो, कोई गलती ना हो, साइन की गलती ना हो, नंबर की गलती ना हो, उसके लिए आपको नीट एंड क्लीन पहले तो नंबर्स को लिखना पड़ेगा और दूर दूर थोड़ा लिखना पड़ेगा ताकि सब कुछ पढ़ा जाए, क्या नंबर है क्या साइन है, और ब्रैकेट लगाने से आपके बहुत क्लियरली नंबर विजिबल होते हैं, गलती होने का कोई चांस नहीं होता। मैंने देखा है कई बच्चे ना बस ऐसे लिख देते हैं -2, 3/4, उनको पता ही नहीं चलता कि वो ऊपर क्या है नीचे क्या है, और डॉट की ये मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, उनको पता ही चलता कि वो 5 को हमने सेंटर में लिखना है। दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग। अगर ऐसे लिखोगे आपकी पक्का गलती होने वाली है। जिस नंबर की जहां पे पोजीशन है उसको वही लिखो, ठीक है? ये कैसे वाले फ्रैक्शंस हैं, कैसे वाले लग रहे हैं आपको, क्या नेम है इनका? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हो सॉल्व करने से पहले, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो, पता है आपको? यस, डू इट देन, स्टार्ट डूइंग, फिर इसको कन्वर्ट करो। वेट, सबको करने दो बेटा, 2 मिनट वेट करो। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, इम्प्रॉपर में नहीं आएगा, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये आपका क्या आ रहा है, -11/4 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, 6/7, 41/7। इजी बन गया क्वेश्चन आपका, ठीक है? तो कुछ भी आपस में कट नहीं रहा, तो आपको पता है ये -451/28 आपकी ऑप्शन आ रही है इसमें, -451/28 बी ऑप्शन आ रही है। क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी। तो आपका रफ कॉलम रेडी है, आपको मैंने बताया कि आपका रफ कॉलम हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमने बहुत कुछ करना होता है रफ कॉलम में, ताकि रफ कॉलम हम इसलिए मैक्सिमम यूज करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नीट एंड क्लीन हो जाए, कटिंग ना हो हमारे क्वेश्चन के बीच में, बिकॉज टीचर हैज टू चेक योर दिस क्वेश्चन। उन्होंने रफ वर्क नहीं चेक करना होता, रफ वर्क आपके पर्सनल यूज के लिए है, वहां पे ट्राई करो एक बार, उसको चेक करो कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की है कि नहीं। जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस किया इम्प्रॉपर में करने के लिए, उसको भी फटाफट से रफ में चेक कर लो लिख के, बिकॉज टीचर ने तो आपको ये चेक करना है, स्टेप ये ठीक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। और ये नंबर जो है वो सीधा नहीं है, उसको हमें प्रॉपर एक शेप में लाना पड़ेगा। इट इज -5/55। प्लीज रिमेम्बर, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई है, आप खुद लगाओगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को नीटली लिखना है कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में या फिर शीट में, या जो आपको मॉड्यूल मिलता है, या फिर बुक में, प्रिंटिंग में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कर लिया, डिविजन साइन भी डाल दिया, माइनस भी डाल दिया। अब आपका काम है उसको ठीक से सॉल्व करना, ठीक से सॉल्व करने के लिए आपको उसको ठीक से लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज डिवीजन साइन, दो फ्रैक्शंस की डिवीजन हो रही है यहाँ पे, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? बी सेक्शन, जो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, वन ऑफ देम कम, जो लास्ट में बच्चा बैठा हुआ है नीचे फ्लोर पे, बी सेक्शन ए और बी जो कंबाइन है। यस बेटा, खड़े हो कि मेरे को बताओ फ्रैक्शंस की डिवीजन में हम क्या करते हैं? यस आ जाओ बेटा, यस यस खड़े हो, जो लास्ट बॉय जो पीछे बैठा हुआ है, आई कैन सी यू, उठ के आगे आओ। डोंट फील शाई, अगर आपको नहीं आते तो समझाऊंगी मैं, आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट। हाँ
अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगी आपको। हाँ जी बेटे, यू नो हाउ टू डू द फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे होती है, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे इसमें? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल किसका? 55 का? नेगेटिव यस। और क्या करोगे रेसिप्रोकल के साथ, और क्या करोगे? मैंने ले लिया इसका रेसिप्रोकल 55/-5 ले लिया। नाउ व्हाट टू डू, और क्या करना चाहिए मुझे इस स्टेप में? ये स्टेप बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट इंपॉर्टेंट है। पुश ट्रिब्यूट साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिपोर्ट मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। सिट डाउन, गो एंड सिट बेटा। अभी क्वेश्चन आपका सिंपल बन गया है, ठीक है? अगर कुछ कटिंग होती है लोएस्ट टर्म में कर सकती हो तो करो इसको, ठीक है? अगर नहीं कर सकते तो एज इट इज इसको आंसर के फॉर्म में लिख दो। 5 और 5 भी कट गया, बहुत अच्छे नंबर है यहाँ पे, आपस में कट रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास आ रहा है 2 × -1। ये जो -1 है ना, ये बड़ा छुप रहा है यहाँ पे, यू नो सारे नंबर तो कट गए हैं, सिर्फ एक नेगेटिव बचा हुआ है यहाँ पे। बी केयरफुल, यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टार लगाया हुआ है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे गलती होने के चांस होते हैं, क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि हमने सारे नंबर काट दिए, अभी दिस इज ओवर, खत्म है बस ये। नो, ये नेगेटिव साइन अभी भी आपको नीचे दिख रहा है, उसको -1 में कन्वर्ट करो। पहली ब्रैकेट में 2 है, दूसरी ब्रैकेट में -1 है, तो हमने किया 2 × -1 इज -2। तो आपकी ऑप्शन आ रही है बट अभी हमने इसका रेसिप्रोकल करना है, राइट? अभी तो हमने सिर्फ सॉल्व किया है इसको। राइट डाउन रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास ऑफ -2। -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यस, -2 है, इट इज इक्वल टू 1/-2। That you know. ये क्वेश्चन बेटा आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, ओके? एंड ध्यान देना कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -2 को हम आंसर बता देते हैं कई बार, इसलिए क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ लो कि जो चीज पूछी गई थी क्या मैंने वो आंसर कर दिया, या अभी एक और स्टेप करना है, ठीक है बेटे? आपने ये बहुत मेजर स्टेप किया, डिवीजन थी, आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, आपने रेसिप्रोकल किया, फिर आपने काटा, फिर आपने -2 निकाला, कितने सारे काम किए आपने। एंड यू फॉरगेट उसके बाद कि पूछा तो कुछ और गया था, वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, इसलिए आफ्टर डूइंग इट प्लीज रीड क्वेश्चन वंस मोर कि जो चीज पूछी गई थी उसके मार्क्स मिल गए, सॉरी वो हमने कर लिया, नहीं तो फिर एक नंबर उसका काटा जाएगा आपका, ओके? क्योंकि आप आंसर तक पहुंचे नहीं हो। तो इसकी सी ऑप्शन आ रही है बेटे, -1/2। नाउ कम टू असर्शन रीजन। असर्शन इज -3/4 + -3/4 इज इक्वल टू -6/4। करके देखना पड़ेगा ये, फटाफट से रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए, क्वेश्चन को देखते नहीं रहना, पेन चलाना है अपना फटाफट, बिना लिखे आपको जो अगर रीड करते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, राइट? आपका फर्स्ट क्वेश्चन था -3/4 + -3/4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो assertion reason है, हमने true false बताना है, ठीक है? तो फटाफट से आपका रफ कॉलम रेडी होना चाहिए, फटाफट से एलसीएम ले लो, ऊपर लिखो -3 + -3, when we solved it, we found -6/4। जल्दी से जब हमने सॉल्व किया हमें पता चल गया कि आंसर है जो है वो ट्रू है, सबका ट्रू आ रहा है, रेज योर हैंड, पता चल गया सबको ट्रू है ये, वेरी गुड, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ है तो हमें भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा।
रीजन इज टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर कैन बी एडेड बाय एडिंग देयर न्यूमिरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. जो जो हमने असर्शन में किया वही वही आपका रीजन में सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है. दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिखा और न्यूमिरेटर को प्लस कर दिया, यही आपका सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो आपकी ये ऑप्शन है, इसमें बोथ आर रिलेटेड. जो हमने असर्शन में किया उसी के बारे में हमने रीजन में बताया हुआ है. ठीक है, सेकंड इज अगेन अ क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट इन राफ. पेन चलना चाहिए आपका, कीप मूविंग योर पेन. पेन रुक गया तो बस आपका यू विल बी डिलेइंग, पीछे रह जाओगे आप. जितना पेन अभी चलाओगे उतना ही फिर आपके एग्जाम में भी फास्ट चलेगा. एसर्शन इज 4/9 प्लस -5/12 इज इक्वल टू 9/36. इज इट करेक्ट? इज इक्वल टू 1/4. चेक करो क्या ये ठीक है. एलसीएम लेना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन है ये आपके पास है ना. 9 एंड 12 का एलसीएम लो. इन पे विश्वास नहीं करना, उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया हुआ है. यहाँ पे एलसीएम भी लिया है, उसके बाद लोएस्ट टर्म भी किया है, बट हमने अपनी चेकिंग करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, हम एलसीएम लेके देखते हैं. 9 और 12 का एलसीएम लिया आपने, 2 से किया 6, 2 से 12, फिर 2 से किया 9, 3, फिर 3 से किया आपने 9, सॉरी 3 एंड 1, अगेन बाय 3 यू आर गेटिंग 1 एंड 1. चेक द एलसीएम वेदर इट इज ऑल राइट और नॉट. 36 तो आ ही रहा है इसका, नो प्रॉब्लम. 36 इसका एलसीएम आ रहा है, यू नो रफ में चेक कर रहे हो आप 9 एंड 12 का. ठीक है, ऊपर भी चेक कर लो. 16 माइनस, चेक करो. व्हाट इज कमिंग? क्या आपने रफ पे चेक किया इसको? क्या वो ट्रू है जो स्टेटमेंट दी हुई है? जो बोल रहे ट्रू है रेज योर हैंड. आपने चेक किया होगा अभी, क्या 9/36 आ रहा है? हो सकता है मेरा आ रहा है और आपका 1/36 आ रहा है, आपका शायद कुछ और आ रहा होगा. चेक करो जरा. नो, दिस इज फॉल्स. यस, सबका ही जो है वो 1/36 आ रहा है. एलसीएम लेके हमने देख लिया, सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने गेस नहीं करना, क्वेश्चन को देखना नहीं है, देखते नहीं रहना, मतलब उसको रफ में सॉल्व करके चेक करना है वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ये फॉल्स है असर्शन, आपका फॉल्स है रीजन. टू रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर एडेड. डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बात हो रही है, जैसे अभी अभी हमने किया सेम वैसे. ठीक है, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं दे आर एडेड बाय टेकिंग देयर एलसीएम ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स एंड देन कन्वर्टिंग बोथ द नंबर्स टू देयर इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैविंग द एलसीएम एज द डिनोमिनेटर एंड एडिंग द न्यूमिरेटर कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. जो जो हमने अभी असर्शन में किया वही सेम सेंटेंस फॉर्म में आपका रीजन में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो ठीक बता रहे हैं, दिस इज ट्रू. ओके, सो आपकी ऑप्शन होगी इसमें डी. सेकंड की आपकी डी ऑप्शन आएगी बिकॉज असर्शन फॉल्स था और रीजन ट्रू.
एलसीएम लेना सबको आ गया बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. डिवीजन ऑफ नंबर्स, दैट ऑल्सो यू नो, रैशनल नंबर की डिवीजन कैसे करते हैं. एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया. बहुत ही मेजर स्टेप है ये क्वेश्चन चैप्टर का. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा. एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स नाम सुना हुआ है आपने एडिटिव इनवर्स का? ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाय बी इज ए बाय बी, क्या ये ठीक है? यस. ओके, एडिटिव इनवर्स करता क्या है, उसका काम क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ टू, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7. फर्स्ट बेंच पे बच्चे जो बैठे हैं, यस, ए सेक्शन. एडिटिव इनवर्स होता क्या है? ए और बी सेक्शन जो कंबाइन है फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, जस्ट टेल मी व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, बोलते क्या है इसको, यूज क्या होता है इसका, बताओ. एक्सचेंज चेंज ऑफ साइन, यस. करता क्या है, उसका काम क्या है? उसका काम, सिट डाउन सिट डाउन, यू शुड रिमेम्बर कि एडिटिव इनवर्स जो होगा ना, टू का एडिटिव इनवर्स -2 है, 5/7 का एडिटिव इनवर्स -5/7 का 5/7 by -5 है, सॉरी ये +5/7 है, ये तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया. तो एडिटिव इनवर्स कर क्या रहा है इसमें, इसमें और इसमें क्या कर रहा है? दोनों को एडिशन को जीरो बना रहा है. जब दो नंबर्स का एडिशन जो है वो जीरो है, इसका मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है. 2 -2 का है एडिटिव इनवर्स है, और -2 जो है वो 2 का एडिटिव इनवर्स है. एडिटिव इनवर्स क्या करेगा, दोनों के सम को जीरो करेगा, इसलिए उसका अपोजिट साइन होता है. ठीक है, यू शुड रिमेम्बर. तो अभी इस क्वेश्चन में हमने करना था एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाय बी इज ए बाय बी. बहुत क्लियरली सबको दिख रहा है, दिस इज ट्रू, जस्ट नाउ यू टोल्ड मी कैसे है ये. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट रीजन, रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर पी बाय क्यू इज क्यू बाय पी, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सबको पता है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू. ओके, तो आपकी ऑप्शन इसमें आएगी थर्ड वाले में, बी ऑप्शन. एसर्शन में हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, और रीजन में हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन. एसर्शन इज गिवन टू यू, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज -3/8. क्विकली इसको सॉल्व कर लो, रफ में ही चेक करो. 7/5 इज इक्वल टू -21/40. मल्टीप्लीकेशन इजी है करनी, है ना, सामने ही आपको दिख जाता है सब कुछ. दिस इज ट्रू, यस, कुछ भी आपस में कट नहीं रहा. हमने ऊपर न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दिया, right? तो आपके पास ये आंसर सामने दिख रहा है, दैट इज -21/40. रीजन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. हमने यही किया ना इसमें, हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया था, इन दोनों को प्रोडक्ट किया था, तो ये आंसर आ गया थे हमारे पास, अप एंड डाउन. तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन में वही लिखा हुआ है जो अभी अभी हमने किया, बोथ आर रिलेटेड, सो इट इज ए ऑप्शन. ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, एसर्शन. बहुत बार यूज किया इसको हमने, बहुत बार यूज किया है, ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत बार यूज कर लिया हमने. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स बहुत बार यूज कर लिया. हु से ट्रू, रेज योर हैंड, जिनको पता चल गया ये ट्रू है, यस, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड. आपको पता है डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं, वेरी गुड, हैंड्स डाउन.
और साथ के साथ उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू. यू नो बार बार हम ध्यान से क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से कर रहे हैं. यू नो व्हाई? कि जो चीज आपको समझ आ चुकी है उसमें हमारे आपके जो है मार्क्स नहीं कटने चाहिए. जितनी रिवीजन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने आप परफेक्ट होते जाओगे, कॉन्फिडेंट होते जाओगे. राइट? असर्शन इज ट्रू. अब ये सेंटेंस फॉर्म में उसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है. ध्यान से पढ़ो. टू डिवाइड वन रैशनल नंबर बाय अदर नॉन जीरो रैशनल नंबर. नॉन जीरो क्यों लिखा हुआ है? वाई वाई इट इज रिटन नॉन जीरो? नॉन जीरो डिवाइडेड बाय नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है? अगर आप 7 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? कर सकते हो 7 को 0 से डिवाइड? नो नो, नॉट दिस इज नॉट डिफाइंड. आपको पता है? यस, दैट्स व्हाई उन्होंने स्पेशली बताया है कि व्हेन डिवाइडेड बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर. नीचे हमारे पास जो हमारा डिवीजन वाला नंबर है जिससे हमने डिवाइड करना है, वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. अगर वो जीरो हुआ तो वो क्वेश्चन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होता. तो स्पेशली उन्होंने ये सेंटेंस लिखा है, डिवाइडेड बाय एन अदर नॉन जीरो रैशनल नंबर, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रैशनल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. यू नो इट, बहुत बार यूज किया आपने. राइट? दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर रिलेटेड. तो आपके पास इसकी भी ये ऑप्शन आएगी. ठीक है, यू अंडरस्टैंड कि ए ऑप्शन कब आनी है, बी ऑप्शन कब आनी है ना? ए में भी दोनों ट्रू होते हैं, बी में भी दोनों ट्रू होते हैं. बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि बी में दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होते. दोनों ट्रू होते हैं, बस दोनों में अलग अलग बातें हो रही हैं, कुछ और कंसेप्ट जो है डिस्कस हो रहा है. एसर्शन में कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, रीजन में कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, बट दोनों ही ट्रू हैं, तो हमारी बी ऑप्शन आती है. यू नो इट. ओके बेटे, लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी, वेरी वेरी सिंपल. मैं आपको थोड़ा इसका क्लू बताऊंगी ताकि आप घर पे कर पाओ इसको कंप्लीट. केस स्टडी में आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन का. ओके, फर्स्ट पार्ट, सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट को देखो. फर्स्ट पार्ट में सबको दिख रहा है कि यहां पे एक ट्रायंगल है. ओके, एंड ट्रायंगल के अंदर आपके पास है नंबर -5/8, एंड यहां पे जो बॉक्स लगा है यहां पे आपको एक साइन लगाना है, प्लस का, माइनस का, प्रोडक्ट का, वट एवर जो यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, दूसरा नंबर आपका फिर से एक ट्रायंगल के अंदर है, इट इज -2/7. दिस इज फन फन क्वेश्चन, यू नो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फन भी हो जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज -2/7, -2/7. ओके, एंड इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, दैट इज -51/56. मैं एक दो का क्लू बताऊंगी, देन यू कैन कंप्लीट एट होम. यहां पे हमने ब्लैंक फिल करना है. उसके लिए आपको रफ कॉलम में ये देखना पड़ेगा कि -5/8 और -2/7 के बीच में कौन सा साइन आएगा, ताकि ये इज इक्वल टू -51/56 बन जाए. चेक करो जरा इसको रफ में, इसमें क्या साइन आना चाहिए, प्लस का या मैम माइनस का? एडिशन एडिशन. किसने बताया? हु हैव डन? ओके, वेरी गुड. बाकी बच्चों ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं. वेरी गुड, यू नो दिस इज एडिशन साइन. मैं थोड़ा सा क्लू बताती हूँ कि एडिशन साइन इमीडिएट उसने कैसे बता दिया. सबसे पहले कि आपको ये बताया कि हमने दोनों का एलसीएम लिया है, और एलसीएम हम तभी लेते हैं जब हम या तो एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ऊपर से पता चल रहा है, साइन से पता चल रहा है कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को आंसर जो है हमारा नेगेटिव में आ रहा है ना.
ये क्लू मिल रहा है आपको कि हमारी एडिशन हो रही है। ओके नेक्स्ट में मैं आपको फिर से क्लू दे रही हूँ। सेकंड वाले में इसके में आपका नेगेटिव साइन आएगा ब्लैंक में, इसको आपने ट्राई करना है, घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है। एंड थर्ड वाले में आपका आ रहा है, थर्ड पार्ट में आपका जो बॉक्स बना हुआ है, पेंटागॉन बॉक्स बना हुआ ना, ये वाला जो खाली है आपका, इसमें आपके पास -15/36 आएगा। आप इसका आंसर लिख लो और जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा डू दिस फॉर प्रैक्टिस। ओके लास्ट क्वेश्चन है आपका एंड फोर्थ पार्ट है बेटे आपका, ऊपर वाला जो खाली था आपका बॉक्स, वन खाली वाले बॉक्स में आपके पास आएगा दिस इज 2/5। मैंने आंसर आपको बता दिया, एक बार घर पे जब ट्राई करोगे मैच द आंसर्स, बाय चांस किसी का नहीं निकलता यू कैन आस्क मी डाउट। ओके बेटा योर टाइम इज अप नाउ। इसी क्वेश्चन को देखते हुए आप नीचे वाले क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रैशनल नंबर के बहुत मेजर क्वेश्चन हमने कर लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन सारे कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, किसी में एडिशन करनी है, किसी में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, किसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किसी में प्रोडक्ट करना है, किसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है सबको रैशनल नंबर्स, वेरी गुड, इट मींस यू हैव डन अ लॉट, ठीक है। इसका मतलब आपको ये आ गया, और जब आपको टाइम मिलेगा ये केस स्टडी के नीचे वाले क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस करना घर पे। ओके चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा, बाय प्लीज मैम, बाय बेटा, बाय। प्लीज कंप्लीट इट बेटा। ओके।